हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम संगीता मैम है। मैं आज आपको हिंदी की एक नई कविता सिखाऊंगी जिसका नाम है जानवर। बच्चों, आपने जानवर देखे? कई छोटे जानवर होते हैं, कई बहुत बड़े जानवर होते हैं। छोटे जानवर हमें घर के आसपास दिखाई दे जाते हैं और बड़े जानवर जो होते हैं जंगल में रहते हैं। छोटे जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, मोर, चिड़िया, तोता, बतख, ये सब छोटे जानवर होते हैं जो हमारे घर के आसपास हमें दिखाई दे जाते हैं। और बड़े जानवर हैं वो जंगल में रहते हैं, जैसे बंदर, हाथी, जिराफ, शेर, बाघ, भालू, जेब्रा, ऊंट, ये सब बड़े जानवर होते हैं जो कहाँ रहते हैं? जंगल में। आज मैं आपको इन्हीं जानवर की कविता सिखाऊंगी। मेरे साथ आप सीखना चाहेंगे? चलिए बोलिए। मेरी कविता का नाम है जानवर। मेरी कविता का नाम है जानवर। चार पैर का शेर है, दो पैरों की चिड़िया, लंबी छोटी पूंछ वाले जानवर कितने बढ़िया। अच्छी है ना? एक बार फिर से मेरे साथ करिए। मेरी कविता का नाम है जानवर। चार पैर का शेर है, दो पैरों की चिड़िया, लंबी छोटी पूंछ वाले जानवर कितने बढ़िया। अच्छी लगी आपको कविता? जल्दी से याद करके अपनी मैम को सुनाइएगा। ठीक है, बाय बाय।